जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमें आपने देखा होगा कि हम ठीक ढंग से रहते हुए भी, सही खान पान होते हुए भी, और कई बार बीमारी हमें घेर लेती है, रोग ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। इसका कारण होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जिस प्रकार से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से रोग हमारे पास आते रहते हैं, इसी प्रकार से हमारी आंतरिक शक्तियां कम होने से, जिसे हम ओरा भी कह देते हैं, जिसे हम अपने गण भी कह देते हैं, संस्कार भी कह देते हैं, यानी कि अगर वह प्रबल ना हो, हमारी आंतरिक शक्तियां प्रबल ना हो, हमारा ओरा प्रबल ना हो, हमारे गण प्रबल ना हो, संस्कार प्रबल ना हो, तब बाहर का क्या कराया, किसी शत्रु का क्या कराया, किसी तांत्रिक का क्या कराया, भूत प्रेत बाधा या ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको घेर लेती हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, इनसे अपनी रक्षा कैसे करेंगे। इसको कहते हैं शरीर का बंधन, शरीर का कवच। अब आप यह कवच लगाएंगे कैसे। दोस्तों, हमारा बायां स्वर चंद्र स्वर होता है, दाहिना सूर्य स्वर होता है। जब सूर्य स्वर चलता है तो हमारी जो शक्तियां हैं वो काफी गुना अधिक हो जाती हैं। तो इस मंत्र को करने से पहले अपने सूर्य स्वर को पहले चला लें। अब इसको चलाने के लिए आप 5 मिनट अपनी बाईं करवट लेट जाएं। बस बाईं करवट 5 मिनट लेटेंगे, आपका सूर्य स्वर चलने लग जाएगा। जब आपका सूर्य स्वर चलने लग जाए तब आपने आराम से बैठ जाना है, और बैठ करके जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से आपने बोल करके 5 मिनट बस यह मंत्र कर लेना है। ओम भू, ओम भुवे, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इसी प्रकार से लयबद्धता से बोलना है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। 5 मिनट यदि आप इसे कर लेंगे तो समझ लेना हमारी अंदर की शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएगी, अपना ओरा भी आपका बढ़ने लग जाएगा, आंतरिक शक्तियां प्रबल होंगी, बाहर की कैसी भी किसी की वही क्रिया हो या कहीं जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक प्रयोग, भूत प्रेत प्रयोग या नकारात्मक शक्तियां आपके पास नहीं भटकेंगी। इसे आप शरीर का बंधन कहें या शरीर का सुरक्षा कवच कहें, दोनों एक ही बातें हुआ करती हैं। लग जाएगा आपका सुरक्षा कवच, हो जाएगा आपका शरीर का बंधन, आसान से प्रयोग हुआ करते हैं। कब शुरू करें, कभी भी शुरू कर सकते हैं। किस समय करें, सुबह कर लें, शाम कर लें, एक समय बना लें, 5 मिनट कर लिया करें। कितने दिन करें, जितने दिन आपकी इच्छा हो कर लें। आप करेंगे तो इसका रिजल्ट भी सकारात्मक ही देखेंगे। अच्छा लगता है, अपने यार दोस्तों को इसे बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।